अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अच्छा व्यूअर्स, आज मैं आपको विजिट कराऊंगा ये खूबसूरत 5 बेड डबल यूनिट हाउस। आप देख सकते हैं कॉर्नर के प्लॉट पे जो है इस घर को कंस्ट्रक्ट हुआ है। 5 बेडरूम डबल यूनिट हाउस है ये। लोकेशन की अगर बात करेंगे तो हम इसकी जो लोकेशन है भैरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी सफारी वैली, जो 7 मरले की जो डायमेंशन है उससे थोड़ा जो साइज़ में जो है बड़ा है ये प्लॉट, जो उसका फ्रंट है 37 फुट फ्रंट है उसका और 48 फुट जो है इसकी लेंथ है, 37x48 जो इसकी डायमेंशन है प्लॉट की। 5 बेड डबल यूनिट हाउस है ये और कॉर्नर के प्लॉट पे जो है घर को कंस्ट्रक्ट किया हुआ, जिस आप वीडियो में देख रहे हैं ये बिल्कुल साइड एरिया आप देख सकते हैं इसका, जिधर खूबसूरत जो है यहाँ पर गार्डन मेंटेन हुआ है। ये देख सकते हैं आप इसका फ्रंट एलिवेशन में टोटल जो है वाइट वॉश का यूज़ हुआ है। कॉर्नर से अगर आप गेट देखें, मैं आपको दिखा दूं इसका जो कॉर्नर गेट है बिल्कुल सामने से, और जो मेन एक्सेस है घर की वो बिल्कुल फ्रंट से है इसकी। भैरिया टाउन फेज़ 8 रावलपिंडी जो है घर की लोकेशन है। 5 बेड डबल यूनिट हाउस है ये। मूव करेंगे घर के फ्लोर प्लान की तरफ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को एंड तक देखें। घर की जो स्पेशलिटीज़ हैं, जो फीचर्स हैं, मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं घर का जो गेट है उसको सेम कलर कॉम्बिनेशन के साथ जो फ्रंट एलिवेशन का उसका डिज़ाइन किया हुआ है। जो पार्किंग रैंप है उस पर जो है टॉप टाइल का यूज़ हुआ हुआ है, प्लस जो उसका साइड एरिया है जो ग्रीन एरिया है उसको काफ़ी खूबसूरती से प्लांट्स के साथ मेंटेन किया हुआ है। पोर्च की अगर हम बात करेंगे तो पोर्च में आप देख सकते हैं टोटल टाइल का यूज़ हुआ हुआ है। बिल्कुल राइट साइड पर जो है इसका साइड एरिया, साइड गैलरी। सीलिंग पर आप देख सकते हैं वुडन टेक्सचर में वार्म लाइट के साथ वाइट लाइट का यूज़ हुआ है। प्लस राइट साइड पर आप देख सकते हैं ग्लास प्लस वुड का वार्म लाइट के साथ काम हुआ है। मेन एक्सेस की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं बिल्कुल सामने से इसकी मेन एक्सेस है, जो इसकी मेन एंट्रेंस है। एंट्रो के साथ ही आप देख सकते हैं इसकी छोटी सी लॉबी है। लॉबी में एंटर होते साथ ही आप देख सकते हैं बिल्कुल राइट साइड पे ही इसका फर्स्ट बेडरूम है। टाइल आप देख सकते हैं इसके फ्लोर पे, प्लस सेम सीलिंग को वुडन टेक्सचर प्लस वार्म वाइट लाइट के साथ डिज़ाइन किया हुआ। ये जो उसकी फ्रंट विंडो जो उसके फ्रंट एलिवेशन को रिप्रेजेंट कर रही है। कबर्ड एरिया इसका आप देख सकते हैं, वॉशरूम से बेहतरीन जो है कंसील सीट्स का यूज हुआ है। वेंटिलेशन के लिए विंडो एग्जॉस्ट दोनों की अवेलेबिलिटी है। मूव करेंगे यहाँ से एंट्रेंस थी बिल्कुल राइट साइड पर फर्स्ट बेडरूम है। अगर लेफ्ट की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो ड्राइंग रूम है, डोर की आप देख सकते हैं इसको वुडन टेक्सचर में ग्लास के साथ जो है इंस्टॉल किया हुआ डोर को। इसकी एक एक्सेस यहाँ से भी है इसकी लॉबी से, और जो इसकी मेन एक्सेस है वो इसके टीवी लाउंज से है। आप देख सकते हैं इसके टीवी लाउंज के भी जो एंट्रेंस में है सेम डोर का यूज़ हुआ है ग्लास प्लस वुड में। अच्छा व्यूअर्स, जहाँ से आप देख सकते हैं इसके जो ड्राइंग रूम है उसकी एंट्रेंस इसकी लॉबी से भी है और टीवी लाउंज से भी है। डिफरेंट टाइल का यूज़ हुआ है इसके फ्लोर पे। सामने जो थीम वॉल है उस पर 3D वॉलपेपर का यूज़ हुआ है। मूव करेंगे टीवी लाउंज की तरफ। सीलिंग पे आप देख सकते हैं खूबसूरत ग्लास प्लस वुडन पॉलिश का यूज हुआ है। बिल्कुल सामने ही इसकी जो मीडिया वॉल है उसको भी घर के जो है कलर कॉम्बिनेशन के साथ डिजाइन किया हुआ है, क्योंकि ये कॉर्नर के प्लॉट पे घर कंस्ट्रक्ट हुआ है। आप देख सकते हैं इसकी वेंटिलेशन में कोई इशू नहीं होगा। 4 साइड ओपन जो है विंडोज हैं इसमें। मैं आपको वाइड एंगल से इसका दिखा देता हूँ। टीवी लाउंज, 2 बेडरूम्स की अवेलेबिलिटी है ग्राउंड फ्लोर पे। किचन आप देख सकते हैं वुडन टेक्सचर में टाइल का यूज हुआ है, प्लस जो है कंपनी फिटिंग में माइक्रोवेव ओवन प्लस जो है पिज्जा ओवन रेफ्रिजरेटर फ्रिज जो है कंपनी फिटिंग में इंस्टॉल्ड है। सेम सीलिंग का यूज हुआ है। वेंटिलेशन के लिए सामने आप देख सकते हैं विंडो, एग्जॉस्ट फैन दोनों की अवेलेबिलिटी है।
प्लस हायर का आप देख सकते हैं डिश वॉशर, वो भी इंस्टॉल्ड है। मूव करेंगे फर्स्ट बेडरूम की तरफ, सेकंड बेडरूम की तरफ, फिर बिल्कुल वॉशरूम के बिल्कुल साथ ही लेफ्ट साइड पे जो है इसका सेकंड बेडरूम है, डिफरेंट टाइल के यूज हुआ है। सीलिंग को पे सेम वुडन टेक्सचर में उसको पॉलिश के साथ डिजाइन किया हुआ है, वार्म प्लस व्हाइट लाइट का यूज हुआ है। वेंटिलेशन के लिए सामने विंडो है कबर्ड एरिया का। वॉशरूम अच्छा, तो व्यूअर्स मैं आपको बता दूं उसकी जो फर्स्ट फ्लोर की एंट्रेंस है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल यहां से। इसके मैं आपको उसकी जो बैक यार्ड बैक इसकी लॉबी है कॉर्नर गेट से मैं आपको उसका विजिट करवा देता हूँ। बिल्कुल इसका आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो है लॉन्ड्री एरिया काफ़ी स्पेशियस जो है इसकी स्पेस है, प्लस जो कॉर्नर का गेट है इसका। अब आप इस जो है पोर्शन को सेपरेट भी कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह होगा वो। आप देख सकते हैं इसकी जो स्टेयर्स हैं अमूमन जो स्टेयर्स होती हैं वो घर के बिल्कुल एंट्रेंस पे ही इंस्टॉल्ड होती हैं प्लस, लेकिन इसका ये कॉर्नर प्लॉट है। आप देख सकते हैं इसके जो इस गेट से यहाँ पे अगर स्टेयर्स के साथ किसी सेपरेशन हो जाए वुडन शीट के साथ तो इसका ग्राउंड जो है वो फर्स्ट फ्लोर से सेपरेट हो जाएगा। अभी जो है ओपन है, आप अपनी मर्जी से इसको सेपरेट भी करवा सकते हैं। वॉलपेपर का यूज़ हुआ है बिल्कुल इसकी वॉल के साथ जो स्टेयर्स की हैं। मैं ग्राउंड फ्लोर का आपको दोबारा गाइड कर देता हूँ। बिल्कुल सामने से इसकी मेन एंट्रेंस है, एंटर होते साथ ही लॉबी से अगर आप सामने आ जाएंगे तो उसका टीवी लाउंज है। टीवी लाउंज से बिल्कुल लेफ्ट पे जो है इसका ड्राइंग रूम है जिसकी एक्सेस टीवी लाउंज से भी है और इसकी लॉबी से भी है। बिल्कुल सामने से ओपन किचन, किचन बिल्कुल साथ जो है लेफ्ट पे फर्स्ट बेडरूम है जो सेकंड बेडरूम है। यहाँ से लॉबी से आप एंटर होंगे तो बिल्कुल एंटर होते साथ ही राइट साइड पे जो है इसका ये सेकंड बेडरूम है। तो फिर से मूव करेंगे इसके फर्स्ट फ्लोर की तरफ। जो रूफ टॉप की एक्सेस है वो बिल्कुल यहां से इसके सेकंड फ्लोर से आप देख सकते हैं। टीवी लाउंज बिल्कुल सामने ही, मीडिया वॉल इसकी। थ्री बेडरूम्स की अवेलेबिलिटी है इसके फर्स्ट फ्लोर पे। टीवी लाउंज से बिल्कुल यहां से अगर आप एंटर होते हैं तो राइट लेफ्ट पे ही थोड़ा सा आगे मूव करेंगे तो दो बेडरूम्स हैं, सेम टाइल का यूज हुआ है बेडरूम्स पे। सात मरले से जो है बड़ा प्लॉट है, 7.5 मरले का प्लॉट है जिस घर पे इसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, जिस प्लॉट पे इसको कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। सेकेंड बेडरूम मेरे बिल्कुल सामने इसका सेम टाइल का यूज हुआ है इसके किचन में, सेम एज ग्राउंड फ्लोर किचन आप देख सकते हैं। बिल्कुल किचन के जो है टेरेस के साथ ही जो है किचन के साथ ही जो है इसका टेरेस है। थर्ड बेडरूम जो मास्टर बेडरूम है इसका कॉर्नर, हमको वाइड एंगल से इसका जो है वंस अगेन
कंसीलर जो है सीड्स का यूज हुआ है वॉशरूम्स में। उम्मीद करता हूँ कि इसको फर्स्ट फ्लोर जो है आपको घर का पसंद आया होगा। मूव करेंगे इस रूफ टॉप की तरफ। घर की जो लोकेशन है भैरिया टाउन फेज है ट्रावल पिंडी सफारी वैली 7.5 मरले के प्लॉट पे जो है इस घर को कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। कॉर्नर का घर है। जो प्लॉट की डायमेंशन है वो है 37x48 37x48 का प्लॉट है ये। बिल्कुल आप सामने देख सकते हैं कमर्शियल, बिल्कुल सामने जो है डोमिनियन मॉल बन रहा है। वाटर टैंक एरिया प्लस जो है इसका सर्वेंट रूम सर्वेंट वॉशरूम। अच्छा तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ कि ये डबल यूनिट 5 बेड हाउस आपको पसंद आया होगा। बात करेंगे इसके प्राइस से, जो घर की जो इसकी डिमांड है वो है 2,80,00,000 रुपये इसकी आस्किंग प्राइस है। 2,80,00,000 रुपये इसकी आस्किंग प्राइस है। इसमें नेगोशिएशन हो जाएगी। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे नंबर्स अवेलेबल हैं, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप कोई प्रॉपर्टी सेल या परचेज करना चाहते हैं आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे रिप्रेजेंटेटिव के जो है नंबर्स वो अवेलेबल हैं। ऑलरेडी अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की हुई है आप उसकी असेसमेंट जानना चाहते हैं उसकी जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू करंट मार्केट आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं दोबारा रिपीट कर दूँ, घर की डिमांड है जो प्राइस है वो है 2,80,00,000 रुपये नेगोशिएबल है। उम्मीद करता हूँ कि ये घर आपको पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।